बहुत सारे पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि हम लोग जब भी बच्चों को कहते हैं कि वो पिक्चर को डिस्क्राइब करें, तो वो नहीं कर पाते किसी भी बुक में से, किसी भी आर्टिकल में से कोई भी पिक्चर देख के। तो इससे मैंने मिस खदीजा से रिक्वेस्ट की है कि वो आज हमें बताएं कि हम इसकी क्या रीजनिंग है कि बच्चे जो हैं वो पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, और उसके कौन से स्टेप्स हैं जिस तरीके से हम बच्चों को ये पिक्चर की डिस्क्रिप्शन सिखा सकते हैं। सो मूव ऑन टू मिस खदीजा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? ठीक जी, है? आई एम गुड, ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हफ्सा का क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स को, थेरेपिस्ट को ये समझने की जरूरत है कि हम बच्चे को हमेशा एक पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि जी आपने आज इस पिक्चर को डिस्क्राइब करनी है, होल सिनेरियो को आप डिस्क्राइब करें। जबकि आपको होल सिनेरियो को डिस्क्राइब करने से पहले बच्चे को इनिशियल स्टेप्स ऑफ पिक्चर डिस्क्रिप्शन पता होने चाहिए, ठीक है? जैसे बहुत से थेरेपिस्ट को मैंने देखा है कि वो कहते हैं ये एक पूरा सिनेरियो है जिसमें बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं, नाउ इलाबोरेट द होल सिनेरियो। बच्चे को ये नहीं पता कि पिक्चर के अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके साथ जो है वो कनेक्शन क्या, उनकी एसोसिएशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या एसोसिएशन रखता है। क्योंकि स्पीच जो है वो हमेशा कनेक्टेड स्पीच होती है जिसमें हर ग्रामेटिकल यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। अगर हमें उसकी बेस ही नहीं पता, अगर हम उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं रखते हैं, तो हाउ द चाइल्ड कैन एलाबोरेट द पिक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनिशियल स्टेप ऑफ पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है और पिक्चर डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है कि जब हम कोई पिक्चर डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले हमें एक सिंगल पिक्चर से स्टार्ट करना। जैसे मेरे पास सिर्फ अभी एक की पिक्चर है जिसे मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, ठीक है? लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन से पहले आपको एक बच्चे को ये वो कैब आनी चाहिए, बच्चे को पता आना चाहिए कि ये की है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पर यूज होती है, ठीक है, इसका साइज क्या है, ठीक है, ये कहाँ पे लगा लगा कि कहाँ कौन कौन से लॉक्स हम ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये की है, और थेरेपिस्ट उन्हें ये भी पूछ सकता है कि जी बताएं कि की से करते क्या, पिक्चर डिस्क्राइब कर दे। पहले तो मैंने देखा ही नहीं कभी किसी को कि सिंगल स्टिमुलस के साथ स्टार्ट किया, हमेशा एक होल पिक्चर होती है, एक बड़ा सा पिक्चर का पेज होता है और उसके ऊपर कहा जाता है कि जी पिक्चर को डिस्क्राइब करें। तो मैं आपको बताऊंगी पिक्चर डिस्क्रिप्शन से हम बच्चे को न्यू वोकैब सिखा सकते हैं, हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम बच्चे की जो है वो कनेक्टेड स्पीच पे काम कर सकते हैं, और बच्चे ने जो प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन गेन की है हम उसको रिकॉल करवा सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले जैसे मैं हफ्सा है, हफ्सा आज हम आपको एक मॉडल बना देते हैं और आपके साथ हम सेशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है? आर यू रेडी फॉर दिस? यस। ओके, दैट्स राइट। ओके हफ्सा, सबसे पहले मैं पिक्चर को खुद डिस्क्राइब करूंगी। हफ्सा लुक, ये एक की है, की का साइज स्मॉल है, की से हम डोर का लॉक ओपन करते हैं, की से हम कबर्ड का डोर ओपन करते हैं, की लॉक के अंदर लगती है और की लॉक के साथ लगा के हम अपनी चीजों को सेव करते हैं, ठीक है? अब की का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, मैं क्या करूंगी, मैं हफ्सा से कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस करूंगी एंड आफ्टर दैट मैं हफ्सा को कहूंगी कि वो पिक्चर को डिस्क्राइब करें। हफ्सा, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस? इट्स अ की। ओके, वेयर डू वी फाइंड की? हम की को कहां देखते हैं, कहां हमें की नजर आती है? लॉक के साथ। लॉक के साथ, वेरी गुड। हम की को किसके अंदर लगाते हैं? लॉक में। लॉक में लगाते हैं। हम की क्यों लगाते हैं? लॉक ओपन करने के लिए। वेरी गुड, लॉक ओपन करने के लिए और अपनी चीजों को सेव करने के लिए हम की लगाते हैं। ओके हफ्सा, नाउ टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ द की? स्मॉल। स्मॉल, दिस की इज स्मॉल। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके हफ्सा, अब आप मुझे इस पिक्चर को डिस्क्राइब करें एंड आई विल राइट ऑल द स्टफ यू आर टेलिंग मी। ओके, ये की है, जो आप, इसका साइज स्मॉल है, की से हम लॉक को ओपन करते हैं और की से हम अपनी चीजों को सेव करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस हफ्सा।
मैंने साथ साथ कंटेंट लिख लिया, अब मैं हफ्सा को करेक्ट करवाऊंगी अगर हफ्सा कहीं पे गलत होंगी। हफ्सा एक अडल्ट है और हफ्सा नो एंड ही इज नो अबाउट द लैंग्वेज, डेफिनेटली शी कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग। तो हम क्योंकि रिकॉल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन है, बहुत से थेरेपिस्ट उनको वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने सेशन में वर्बल प्रॉम्प्ट मत दूं और बच्चों से विदाउट रियल जो है वो प्रॉम्प्ट्स जो है मैं बच्चों से क्वेश्चंस करूं, और फिर जो है बच्चों से क्वेश्चन करने के बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अच्छा अब इसकी क्या लेवल है। इसी तरह से इनिशियली जब मैंने बच्चे को सिंगल पिक्चर से सिखा दिया है, फिर मैं टू पिक्चर्स को साथ में एसोसिएट कर सकती हूँ, जिस तरह से एक पिक्चर हो सकती है जिसमें हम एक एक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट के साथ एलिफेंट कुछ खा रहा है, एलिफेंट इज ईटिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज ईटिंग, ठीक है, वो क्या खा रहा है, ठीक है, और क्यों खा रहा है, ठीक है, क्या ये एलिफेंट का फूड आइटम है, इस तरह के क्वेश्चन। वहां पर क्या होगा कि हमारे पास ग्रामर के टू जो है वो यूनिट्स है वो कनेक्ट हो जाएंगे, तो वहां इस तरह लेवल को हम इंक्रीज करते जाएंगे। डायरेक्टली एक बच्चे को कहना ये एक पिक्चर है एंड नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर, मतलब आप खुद से सोचें कि इनिशियली आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखानी है तो उसके क्या स्टेप्स हैं और क्या इंपॉर्टेंस है पिक्चर डिस्क्रिप्शन सिखाने की। इससे आप सोच नहीं सकते कि बच्चों के माइंड के जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनमें एक एसोसिएशन का एरिया भी होता है। जब आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए बच्चे को कहते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, थिंक अबाउट दैट एंड परसीव द इन्फॉर्मेशन एंड देन टेल मी, तो बच्चे बहुत एसोसिएशन के उनके जो एरियाज होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है अपने माइंड को यूज करने की। हम क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि ये पिक्चर है, हमने इसको इलैबोरेट कर दिया, अब आप इलैबोरेट कर दो। सबसे पहले हमेशा सिंगल पिक्चर से आपने स्टार्ट करना। होपफुली आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया। ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच खतीजा, ये वीडियो काफी हेल्पफुल थी मेरे लिए भी और आई होप कि बाकी पेरेंट्स के लिए भी, उनको इसमें समझने में मदद मिली होगी कि किस तरह हमने घर पे बच्चों को। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन है मैं सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए नहीं बता रही जो कि स्पेशल नीड्स के साथ हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी बबता रही हूँ जो इनिशियल स्टेजेस में है, सिर्फ 3 to 4 years, 4 to 5 years उनके एज रेंजेस हैं। हम वहां पर भी बच्चों को उनकी वोकैब को इन्हांस करने के लिए, उनकी स्पीच को, लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए हम ये पिक्चर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ये एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल एक्टिविटी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।